हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को सॉल्व करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 17 है स्टूडेंट्स, x बाई टू माइनस x बाई थ्री इक्वल्स टू x बाई फोर प्लस 1 बाई टू। तो चलिए हम लाइक टर्म्स को इक्वल्स टू के दोनों तरफ कलेक्ट करते हैं। चलिए कलेक्ट करते हैं, क्या हो जाएगा देखिए, x बाई टू माइनस x बाई थ्री, ये वाला पूरा टर्म उठ के इधर जाएगा, इसका साइन क्या है पॉजिटिव, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो लिखेंगे माइनस एक्स बाई फोर इक्वल्स टू वन बाई टू, ये वन बाई टू इधर अकेले रह जाएगा। ठीक है, चलिए अब इन तीनों को हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो स्टूडेंट्स, टू थ्री फोर का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 12। ठीक है, टू का टेबल कितने बार पढ़ेंगे, 12 हो जाएगा 6, 6 से x को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6x, तो यहाँ लिख लेते हैं 6x माइनस 3 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाएगा, 4 टाइम्स 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा 4x, 4 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाएगा 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा माइनस 3x इक्वल्स टू 1/2। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा देखिए 6 माइनस 4x माइनस 3x, इसमें क्या करते हैं पहले हम नेगेटिव नेगेटिव को प्लस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ कितना है 6, यानी 6 माइनस 7 कितना हो जाएगा माइनस 1, यानी यहाँ पे क्या बचेगा माइनस एक्स बाई 12 इक्वल्स टू 1/12। अब चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल माइनस एक्स इंटू 2 इक्वल्स टू 12 इंटू 1, ये क्या हो गया माइनस 2x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 12 बाई माइनस 2, अब कट जाएगा ये 2 1 2 2 6 12, यानी x इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस 6। यहाँ देखिए डिनोमेटर में नेगेटिव साइन था तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया और ये कहाँ चला गया न्यूमरेटर के पास। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, x का वैल्यू कितना आया था माइनस 6 लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ x का वैल्यू पुट करते हैं, ये मेरा क्या है LHS और ये क्या है RHS, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे LHS लिखते हैं, LHS तो LHS मेरा क्या है x बाई टू माइनस x बाई थ्री। ठीक है, अब क्या रखना है x का वैल्यू रखना है तो रखते हैं माइनस 6 बाई टू माइनस माइनस 6 बाई थ्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखिए 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यानी क्या आ गया माइनस 3 माइनस माइनस 2, यानी क्या आ गया मेरा यहाँ पे माइनस 3 प्लस 2, यानी आंसर क्या आ जाएगा माइनस 1। ठीक है, तो चलिए हम स्टूडेंट्स RHS को चेक कर लेते हैं, RHS मेरा क्या है ये वाला। ठीक है, x बाई 4 प्लस 1/2, चलिए x का वैल्यू हम पुट करते हैं, x का वैल्यू कितना है माइनस 6 बाई 4 प्लस 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहें तो काट सकते हैं, काट लेते हैं 2 2 जा 4 2 3 जा 6, कितना आया माइनस 3/2 प्लस 1/2, दोनों का देखिए डिनोमेटर सेम है तो हम न्यूमेटर को एज इट इज जोड़ सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 2 माइनस 3 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा माइनस 2/2, काट देंगे क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 2 1 जा 2, यानी कितना आया हमारा माइनस 1 आंसर आया। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरा LHS भी माइनस 1 है और RHS भी मेरा माइनस 1 है, इस तरह मेरा क्वेश्चन क्या हो गया चेक हो गया स्टूडेंट्स। तो लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, जेड माइनस 2z/3 प्लस z/2 इक्वल्स टू 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इक्वल्स टू के दोनों तरफ ऑलरेडी लाइक टर्म्स कलेक्टर के दिया हुआ है, इसलिए हमको इक्वल्स टू के इधर उधर ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम एज इट इज इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, इसका देखिए डिनोमेटर कुछ भी नहीं है तो इसको हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 6। ठीक है, 6 लिख देते हैं, 1 का टेबल कितने में पढ़ेंगे कि 6 आ जाएगा,
सिक्स बार सिक्स से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, सिक्स जेड माइनस थ्री का टेबल हम कितने में पढ़ेंगे कि सिक्स आ जाएगा, टू, टू से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, फोर जेड प्लस टू का टेबल कितने में पढ़ेंगे कि सिक्स आ जाएगा, थ्री बार, थ्री से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, थ्री जेड इक्वल्स टू फाइव। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको इसको जोड़ लेते हैं, सिक्स और थ्री कितना होता है, नाइन, नाइन माइनस फोर कितना हो जाएगा, फाइव। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, फाइव जेड बाई सिक्स इक्वल्स टू फाइव। अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीपल, चलिए करते हैं इसको, डिनोमिनेटर हम वन बना लेते हैं, फाइव जेड इक्वल्स टू फाइव इंटू सिक्स, यानी जेड इक्वल्स टू फाइव इंटू सिक्स बाई फाइव, ये क्या हो गया, कट हो गया, यानी जेड का वैल्यू क्या आ गया, सिक्स। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको चेक कर लेते हैं, एल एच एस पहले लिख लेते हैं, एल एच एस मेरा क्या है, ये पूरा मेरा एल एच एस है, जेड माइनस टू जेड बाई थ्री प्लस जेड बाई टू। ठीक है, जेड का वैल्यू मेरा कितना आया है, सिक्स, तो चलिए रखते हैं, सिक्स माइनस टू इंटू सिक्स बाई थ्री प्लस सिक्स बाई टू। देखिए अगर यहाँ पे कट हो जाएगा तो हम काट लेंगे, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, क्या मेरे पास बचा, सिक्स माइनस टू इंटू टू क्या हो जाएगा, फोर प्लस थ्री। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं, सिक्स और थ्री कितना होता है, नाइन, नाइन में से फोर जाएगा फाइव, यानी हमारा क्या बचा, फाइव, यानी एल एच एस क्या हुआ, फाइव। अब यहाँ देखिए मेरा आर एच एस क्या है, फाइव, तो मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, चेक हो गया, आर एच एस फाइव, तो मेरा एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हो गया। इस तरह मेरा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 और 18 सॉल्व हुआ, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 और 20। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।